वक्त है 1953। रात के अंधेरे में बच्चे अपने घर नमक का घेरा बनाए कोई अजीब सी गेम खेल रहे थे। एकदम से उनकी कैंडल बुझ जाती है और पीछे से उनके एक गेट का सामान गिरने लगता है। ये तीनों डर चुके थे। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये अपनी कैंडल को दोबारा चला लेते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है, अब रात की 3:33 हो गई है, ये गेम बस अब खत्म हो गया है, मैं से वो नहीं खेल रहा। उसके कहते ही एक भयानक आवाज उन्हें सुनाई देती है। जो उनसे कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर एक बच्ची बुरी तरह डर जाती है और उस नमक के घेरे को पार कर लेती है, जिसके बाद बस वहाँ हमें बहुत सारा खून बहता दिखाई देता है। मतलब यहाँ जिस डीमन को इन बच्चों ने बुलाया हुआ था अपने इस गेम के जरिए, उसने उस बच्चे की जान ले ली थी। बाकी दोनों बच्चे भी ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। वो यहाँ से उठकर भागकर नीचे आते हैं तो घड़ी में देखकर उनके होश उड़ गए कि अभी भी 3:30 ही हुए थे। गेम खत्म होने में 3 मिनट अभी बाकी थे। डर कर एक लड़का घर से बाहर भाग जाता है। एना उसे मना भी करती है कि रूल्स मत तोड़ो, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन वो लड़का जब उसकी बात नहीं सुनता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वो डीमन जिसने पहले इनकी एक साथी को मारा था, वो इसकी भी बॉडी को चीर फाड़ कर मार देता है और सिर्फ एना ही जिंदा बच पाती है। वो घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाहर हम देखते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इस सब के बाद सालों गुजर जाते हैं और हमें बूढ़ी एना को दिखाया जाता है, जो इस टाइम उसी घर में रहती है अपने ग्रैंड चाइल्ड एलेक्स के साथ। एलेक्स को इस टाइम एना के रूम से अजीब डरावनी आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने गई तो वहाँ एना बहुत ही आराम से बैठी हुई थी। एलेक्स जब वहाँ से जाने लगती है तब एना उसे कहती है, क्या तुम मुझे मेरा मिरर ला कर दे सकती हो, वो एटिक में है, बचपन से मैंने उसे देखा नहीं। एलेक्स को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन खैर अब वो अपनी ग्रैंड माँ का मिरर लेने के लिए एटिक में चली गई। जहाँ जाते ही उसे किसी इंसान ने डरा दिया। वो इंसान सफेद चादर ओढ़े खड़ा था और उसने जाते ही उसके सर से वो चादर उतार ली और देखने को मिला कि वो तो एक सिर्फ स्टैचू था। अब एटिक में आकर वो एक संदूक को खोलती है, जिसके अंदर से उसे काफी सारी चीजें मिली, एक बंदूक, उसकी कुछ गोलियां, एक अजीब सा रस्सियों से बंधा बॉक्स और आखिर में वो मिरर भी। अभी वो मिरर को चेक ही कर रही थी कि तब से उसके पास आकर कोई खड़ा हो गया। कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था, जिसके आने के बारे में एलेक्स पहले से ही जानती थी, लेकिन वो अपने इस काम में इतना खो चुकी थी कि उसे इसके आने का पता ही नहीं चला। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर इन सारी चीजों को देखने लग जाते हैं। माइल्स का ध्यान जाता है उस रस्सी से बंधे हुए बॉक्स के ऊपर, जिसे वो खोल लेता है। इसे खोलने पे इसके अंदर काफी अजीबोगरीब चीजें थी, जैसे कुछ कैंडल्स, एक कागज जिसके ऊपर बहुत से लोगों के नाम और उनके खून के कतरे लगे हुए थे, और इन सब नामों में एना का नाम भी लिखा हुआ था। ये देखकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगा। यहाँ पर कुछ फोटोज भी थी, ये जिनकी फोटो थी फोटो के पीछे उनके नाम लिखे हुए थे और साथ में वो चीजें भी लिखी हुई थी कि जिन चीजों से इन लोगों को डर लगता है। अभी वो ये सब चेक ही कर रही थी कि एकदम से एना आकर इनके ऊपर चिल्लाने लगी, आखिर क्या जरूरत थी, तुमने ये गेम बॉक्स क्यों खोला। वो ये कह रही थी कि एकदम से वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये दोनों घबरा के डॉक्टर को बुलाते हैं। ये डॉक्टर एना का बचपन का दोस्त था और जब से एना बीमार थी तब से ही वो एना का इलाज कर रहा है। डॉक्टर इन दोनों को बताते हैं कि एना को आराम की जरूरत है, जितना हो सके उसे आराम करवाए और एटिक में जाने बिल्कुल भी नहीं दे। बचपन में जो उसके साथ हादसा हुआ था वो उसे अभी तक भुला नहीं पाई। ये दोनों गौर से उसकी बात सुनते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ एना नर्स के इंजेक्शन लगा कर रूम से निकलते ही अपनी आंखें खोल चुकी थी, ऐसे जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर वो उठ के अपने आप को एक अलमारी के अंदर बंद कर लेती है। बाहर डॉक्टर और नर्स दोनों घर से जा चुके थे। उनके जाने के बाद एलेक्स और उसका दोस्त बातें करते हैं, आखिर वो डॉक्टर और एना किस गेम के बारे में बात कर रहे थे, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिससे दोनों इतना डरते हैं, हमें भी देखना चाहिए। ये लोग अब एटिक में जाकर उसी बॉक्स को खोल लेते हैं, जिसके अंदर से इन्हें एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज मिलता है, जिसको पढ़ने पे इन्हें पता चला कि जो पेपर अभी इनके पास था इन्हें उसके ऊपर अपना नाम लिखना है और साथ ही अपना खून लगाना है। जिसके बाद इन्हें एक कैंडल जलाकर की सभी लाइट्स को बंद कर देना था। ये लोग ये भी कर लेते हैं और उस पेज को जलाकर अपने मेन डोर के ऊपर लगा देते हैं और फिर अपने मेन डोर पर 22 मरतबा नॉक करते हैं, कुछ इस तरह से कि आखिरी नॉक उनका पूरे 12 बजे होता है। अब जैसे जैसे एलेक्स नॉक करती जा रही थी, अलमारी के अंदर बंद एना डरती जा रही थी, लेकिन 12 बजते ही एना अजीब और गरीब तरीके से हंसने लग जाती है। इसके बाद ये लोग दोबारा इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ते हैं, जिस पर लिखा था कि मिडनाइट मैन अब घर के अंदर आ चुका है, इससे 3:33 तक बचना है, बस यही सर्वाइवल गेम है।
लेकिन अब ये इंस्ट्रक्शन का पेज आता था, इन्हें बाकी इंस्ट्रक्शन जानने के लिए बाकी आधा पेज ढूंढना था, जिसे ढूंढने के लिए एलेक्स का दोस्त एरी माइल्स तो एटिक में चला जाता है, जबकि एलेक्स को एना के रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थी। वो उसे चेक करने के लिए चली जाती है। एना के रूम में एना कहीं भी नहीं थी। देख कर एलेक्स घबरा गई, उसने अपनी कैंडल को साइड पे रखा और वॉशरूम खोल गए वहाँ एना को ढूंढने लगी। इधर एटिक में माइल्स को इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी मिल गया था, जिस पर लिखा था कि इन लोगों ने अपनी कैंडल पूछने ही नहीं देनी, अगर इनकी कैंडल पूछ गई तो इन्हें 10 सेकंड के अंदर अंदर उसे दोबारा चलाना होगा, नहीं तो मिडनाइट मैन उन्हें ऐसे डरावने वीडियोस दिखाएगा कि ये लोग खौफ से ही मर जाएंगे। एलेक्स जो कहना को चेक करने के लिए वॉशरूम में रही थी, पीछे से उसकी कैंडल पूछ गई, जिसके बारे में उसे पता नहीं चला, और यहाँ उसके पीछे आ गया मिडनाइट मैन उसे डराने के लिए। और यहाँ मिडनाइट मैन के आते ही एना अपने बेड पे दिखाई देती है। एलेक्स जो कि अब डरी हुई थी, अगले ही पल वो डीमन उसे उठा के दीवार के ऊपर फेंक देता है। अभी वो दीवार पे ही लटकी हुई थी कि नीचे टब में खून भरने लगा और उसके अंदर से अजीबोगरीब तरीके से एलेक्स निकली। बाहर जो एना बैठी हुई थी वो अब कुछ अजीबोगरीब पढ़ रही थी, और उसके ऐसा कहते ही अंदर बाथरूम में मौजूद एलेक्स के मुंह से खून निकल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, और यहाँ तभी माइल्स आ जाता है। वो उसका मुंह पकड़ के उसे बताता है, एलेक्स सब ठीक है यहाँ पर, तुम जो भी देख रही थी वो सिर्फ तुम्हारा एलियन था जो तुम्हें वो मिडनाइट मैन दिखा रहा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसे थोड़ा होश आता है और वो नॉर्मल भी हो जाती है। एलेक्स जल्दी से उसके ईद के नमक का एक घेरा बना देता है और फिर उसकी कैंडल जलाता है। वो बताता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन का बाकी आधा पेज भी मिल गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक जगह रुक के नहीं बैठ सकते, हमें आगे आगे बढ़ते रहना होगा, अपनी कैंडल को बुझने नहीं देना, और जब भी वो कैंडल बुझे तो हमें जल्दी से इस नमक के दायरे में आकर वापस खड़ा होना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। साथ ही वो बताता है कि इस मिडनाइट मैन को भगाने का एक आसान तरीका भी है कि अगर कोई उसके दिखाए एलियन से नहीं डरता तो वो खुद ही हार कर भाग जाता है। माइल्स कहता है कि अब मैं उसके सामने जाऊंगा और कुछ भी हो जाए डरूंगा नहीं, ऐसे वो भाग जाएगा और हमारी जान इस गेम से बच जाएगी। मिडनाइट मैन को अपने पास बुलाने का तरीका यही था कि वो अपनी कैंडल बुझा दे। कैंडल बुझाने के 10 सेकंड बाद तक भी मिडनाइट मैन उसके सामने आया ही नहीं था, वो भी ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक मिडनाइट मैन ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसके मुंह को बुरे तरीके से खींचने लगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मिडनाइट मैन उसे बताता है, मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द से डर लगता है, इसलिए तो मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ। इससे पहले कि माइल्स कुछ भी रिएक्ट कर पाता, मिडनाइट मैन ये कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है कि कोई और भी मुझे बुला रहा है, कोई और भी ये गेम खेल रहा है। उसके जाने के बाद इन दोनों ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया था। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि इनके घर का डोर नॉक हुआ और इन्हें पता चला कि इनकी दोस्त कायली आयब, जिसे इन्होंने नाइट आउट के लिए बुलाया था, इन्हें परेशान देखकर वो इनसे परेशान की वजह पूछती है, और ये लोग इस गेम के बारे में सब कुछ कायली को बता देते हैं। कायली को भी ये गेम इंटरेस्टिंग लगी, वो भी कहती है कि अब मैं भी इस गेम में हिस्सा लूंगी। ये लोग उसे मना करते रह गए, लेकिन कायली मना नहीं हुई और उसने गेट पे लगे हुए पेपर के ऊपर अपना नाम लिखकर अपना ब्लड भी उस पेपर पे लगा दिया। ऐसे वो इस गेम का हिस्सा बन गई। ये तीनों अब अपनी कैंडल्स चलाकर घूमने लग जाते हैं, और यहाँ पर एलेक्स इन सब को अपने पास्ट की स्टोरी बताती है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके सामने ही अपने आप को फांसी देकर मार दिया था, और फांसी लेने से पहले एना ने भी एलेक्स की मॉम से वही मिरर मंगवाया था। यानी साफ मतलब है कि एलेक्स की मॉम ने भी वो गेम खेली थी और मिडनाइट मैन से डर कर उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी। ये लोग अभी ये बात ही कर रहे थे कि इनके पीछे दोबारा मिडनाइट मैन आ जाता है और अचानक से इनकी कैंडल्स भी बुझ जाती है, जिसे ये वक्त रहते ही दोबारा चला लेते हैं। लेकिन अब ऊपर से पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से कायली की कैंडल दोबारा बुझ गई। उसकी कैंडल दोबारा जल भी नहीं रही थी, क्योंकि वो खत्म होने वाली थी, इसीलिए ये जल्दी से कायली की एक नमक का एक दायरा बना देते हैं और उसे वहीं खड़े रहने को कहते हैं, ताकि वो एक नई कैंडल लाकर उसे दे सके। ये लोग जब चले गए तो उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दी और कहा, मुझे तो मिडनाइट मैन से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो अभी कह ही रही थी कि मिडनाइट मैन दोबारा उसके सामने आ गया। वहाँ रखे हुए एक पानी की टैंक पे उसने छोटा सा सुराख कर दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके नमक के दायरे तक आ रहा था। ये नमक के दायरे को तोड़ सकता था, खुद वो इसमें से निकल भी नहीं सकती थी। इसके लिए वो अपने पास पड़ा हुआ एक गमला उठाकर उसकी सारी मिट्टी उस दायरे के आगे गिरा देती है, जिससे पानी रुक जाता है। लेकिन मिडनाइट मैन अब गुस्से में आ चुका था, वो उस पूरे के पूरे पानी के ड्रम को उठाकर फेंक देता है। ऐसा करते ही उसका नमक का दायरा बिल्कुल टूट चुका था और अब मिडनाइट मैन उसके ऊपर हावी हो सकता था। उसने अपने चेहरे को एक रैबिट में बदल लिया था, जो कि बचपन में कायली ने एक रैबिट को मारा था। देखते ही देखते फिर मिडनाइट मैन उसे बुरी तरह पोसेस कर लेता है और एक चाकू से देकर उसका गला कटवा देता है।
एकदम से पुवियन से बाहर आ गई और उसने देखा कि वो जिंदा थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि घर में अब वो डॉक्टर भी आ चुके थे जिससे ये लोग पहले मिल चुके थे। वो आते ही इसके मेन डोर पर लगे हुए गेम वाले पेज को देख लेते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें इस गेम के बारे में पहले से ही सब पता हो। हाँ, ये बात सच भी थी। जब बचपन में 1953 में एना ने ये गेम खेली थी तब डॉक्टर उसी रूम में मौजूद थे। डॉक्टर ने इस गेम में ऐसा नहीं लिया था क्योंकि वो डरते भी थे और एना ने उन्हें ये कहते हुए भी मना कर दिया था कि वो बहुत छोटा है। वो कहते हैं कि उस रात सभी मर गए, बस एना जिंदा बची। सिर्फ यही नहीं, सबसे शॉकिंग बात वो इनको ये भी बताती है कि उस दिन के बाद से एना अब मिडनाइट मैन के लिए काम करती है। वो उसको इंसान सप्लाई करने का काम देती है। वो इंसान देती है जिनके साथ मिडनाइट मैन खेल सके और उनकी जान ले सके। मिडनाइट मैन को हारना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए अगर कोई जीतने लगे तो वो उसके साथ चीटिंग कर लेता है। जिनके ठोकर हमें दोबारा काइनी को दिखाया जाता है जो अपने बचपन वाले कमरे में थी। उसके सामने वही खरगोश मरा हुआ पड़ा था जिसे उसने खुद मारा था। वो इस खरगोश को उठा लेती है और फौरन ही उसके सामने मिडनाइट मैन आ जाता है जो उसे कहता है बस तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये कहते ही अब हमें काइली को मरा हुआ दिखाया जाता है, इस कमरे में नहीं बल्कि उसी जगह पर जहां उसने अपने आप को पहले चाकू मारा था। बाकी सब लोग जब इस जगह पहुंचते हैं तो ये लोग अब बुरी तरह घबरा गए थे। डॉक्टर इन दोनों से कहता है हमें एटिक में जाकर फौरन इस गेम को रोकना होगा, नहीं तो सबके स्टाफ मारे जाएंगे। ये लोग जल्दी से नमक का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर खड़े हो जाते हैं और इतने ही देर में यहाँ पर एना आ जाती है जिससे रोते हुए अलग सवाल कहती है कि आखिर आपने मेरी मॉम को क्यों मारा था, आपने उन्हें एटिक में शीशा में क्यों भेजा था, उन्हें क्यों फंसाया था, उनका क्या कसूर था। आखिर इन सारी बातों का एना इतना सा जवाब देती है कि वो बस गेम हार गई थी। यहाँ एना देखती है कि उसका दोस्त डॉक्टर उस नमक के सर्कल के अंदर नहीं खड़ा हुआ था। एना उसे कहती है तुम सर्कल के अंदर चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। डॉक्टर जवाब देता है कि मैं जब गेम का हिस्सा ही नहीं तो मारा कैसे जाऊंगा। यहाँ पर एना का खून खार रूप हमें देखने को मिलता है। एना उसे कहती है डेमन नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही उसने बुरी तरह अपने ही दोस्त पे हमला कर दिया और बार बार अपने हाथों में छुपाया हुआ चाकू उसके सीने में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स ने भी वो गन उठा ली थी जो यहाँ करीब एक बॉक्स में रखी हुई थी। वो एना को अपने से करीब आने से रोकती है और जब एना नहीं रुकती तो एलेक्स उसके ऊपर गोली चला देती है। और ऐसे ना चाहते हुए भी एलेक्स के हाथों उसकी ग्रैंड मा एना मारी जाती है। एना के मरते ही यहाँ मिडनाइट मैन आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों कहते हैं तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम यहाँ नमक के सर्कल के अंदर हैं। ये लोग नमक के सर्कल के अंदर 4 बजे तक बैठे रहे और जैसे ही इन्हें लगा कि अब बस खतरा खत्म हो गया है तो सबसे पहले माइल्स इस सर्कल से बाहर निकल के आता है और डॉक्टर को चेक करता है क्या वो जिंदा है। लेकिन उसने तो इन लोगों के लिए अपनी जान दे दी थी। एकदम से माइल्स की नजर उसकी घड़ी पे पड़ती है जहाँ भी 3:30 बज रही थी। मतलब एक और मर्तबा इस मिडनाइट मैन ने इन सब के साथ चीटिंग कर दी थी। 4 बजने के बावजूद भी उसने सारी घड़ियों में टाइम 3:30 का बचा दिया और ये गेम तो 3:33 पे ओवर होती है। ऐसे माइल्स जो अभी भी सर्कल के बाहर खड़ा हुआ था मिडनाइट मैन जल्दी से आकर उसको सर से पकड़ के अपना बड़ा सा नाखूनों वाला हाथ के मुंह के अंदर स्टैब कर करके उसे मार डालता है और आखिर में बस एलेक्स बचती है जिसके साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। मूवी के ट्रेडिशन के मुताबिक तो अब मिडनाइट मैन एलेक्स को एना की तरह इस्तेमाल करेगा जो उसे इंसान ला कर देगी खेलने के लिए। लेकिन कुछ भी ऐसा दिखाए बगैर कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।